हेलो दोस्तों, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और ये सीरीज का 13वां पार्ट है। मतलब कि हम ऑलरेडी इससे पहले 12 पार्ट कर चुके हैं। सो मेक श्योर कि आप इन सभी वीडियोस को देखें। ये सभी वीडियोस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं। तो चलिए अब हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक इज। तो आपको बताना है कि डायग्नोस्टिक क्या होता है, निदान क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी इंडिविजुअल को कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम उसको डायग्नोस करते हैं। मतलब कि हम उसकी प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं, सुनते हैं कि उसको क्या दिक्कत है, उसको क्या डिफिकल्टी है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम डायग्नोसिस कहते हैं, डायग्नोस्टिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू नो दी डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। तो यदि हम बात करें फाइन मोटर स्किल्स की, तो ये ऐसी स्किल्स होती हैं जहाँ पर हम अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने हाथ का यूज करेंगे, अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी फाइन मोटर स्किल है वो है राइटिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर। तो आपको बताना है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है यानी दीर्घकालिक स्मृति है, ये कब तक बनी रहती है। मतलब कि आपको ये चीज़ें कब तक याद रहती है। तो हम जानते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसका जो पीरियड है वो लाइफ टाइम तक होता है। मतलब कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें होती हैं वो आपको जीवन पर्यंत याद रह सकती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फ्रेड बीने इज फेमस फॉर डेवलपिंग दी फर्स्ट। तो आपको बताना है कि जो अल्फ्रेड बीने हैं इन्होंने ऐसी क्या चीज सबसे पहले डेवलप की थी जिसके लिए काफी फेमस है। तो हम सभी जानते हैं कि जो अल्फ्रेड बीने हैं इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था, ठीक है। और ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट था ये इन्होंने बच्चों के लिए डेवलप किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि बच्चे अक्सर टीवी देखकर सीखते हैं, तो इस प्रकार की लर्निंग को हम क्या कहते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि मोटर स्किल्स से रिलेटेड जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी इंडिविजुअल को मोटर टास्क परफॉर्म करने में दिक्कत आती है तो इस लर्निंग डिसेबिलिटी को हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिस्प्रैक्सिया। तो आपको याद रखना है कि जो डिस्प्रैक्सिया है ये एक मोटर डिसऑर्डर है। मतलब कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उन्हें मोटर स्किल्स को परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। इसी के साथ जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाला टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो आपको जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी किससे जुड़ी हुई है। इसी के साथ यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो डिसकैलकुलिया ही आपका मैथ रिलेटेड डिसऑर्डर है, और जो डिसलेक्सिया ही आपका रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, और जो डिसफेजिया है वो आपका स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड द सब्जेक्ट एंड इन्विजिलेटर आर। तो आपको बताना है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है यहाँ पर सब्जेक्ट और इन्विजिलेटर कौन होते हैं। तो हमने पहले भी बात की है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मेथड है। मतलब कि यहाँ पर इंडिविजुअल खुद ही खुद को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट और इन्विजिलेटर हैं वो दोनों सेम ही पर्सन होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट सब्जेक्ट एंड इन्विजिलेटर इज सेम पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो आपको बताना है कि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है ये 1916 में एस्टेब्लिश की गई थी। ये भी काफी जरूरी है, आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंडिया में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कब एस्टेब्लिश की गई थी,
तो ये आपके 1916 में एस्टेब्लिश की गई थी। अब आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये जो लेबोरेटरी थी वो किसके अंडर एस्टेब्लिश की गई थी। तो आप सभी मुझे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइडिंग अ बाइसिकल राइटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो आपको बताना है कि साइकिल चलाना लिखना ये किस चीज के उदाहरण है। तो जब भी बात होती है किसी टास्क को कैसे करने की, मतलब कि कोई टास्क कैसे होता है, तो मतलब कि उस चीज का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, और ये चीज कहाँ पे स्टोर होती है, आपके प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रोसीजरल मेमोरी। मतलब कि साइकिल चलाना और राइटिंग ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये प्रोसीजरल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड्स मेंटल एज इज 6 ईयर्स देन इज आईक्यू विल बी। तो आपसे पूछा गया है कि कोई 5 साल का बच्चा है जिसकी मानसिक उम्र 6 साल है, तो आपको बताना है कि उसका आईक्यू कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है और मेंटल एज दी गई है, ठीक है, और आपको उसका आईक्यू बताना है। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आईक्यू है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर आपको मेंटल एज दी हुई है 6 और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 5 है, ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आईक्यू आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, जो कि इस बच्चे का आईक्यू होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 120। तो आपको याद रखना है कि जो आईक्यू है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत बहुत जरूरी है, आप इसे इस्तेमाल करके रख लीजिए। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आईक्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर आपको कोई दो चीजें दी होती है, आपको थर्ड चीज निकालनी होती है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है। तो जो यहाँ पे इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो यूनिफैक्टर थ्योरी है वो अल्फ्रेड बीने ने दी है, और जो टू फैक्टर थ्योरी है उसे स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, और जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है इसे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनैलिटी हैज बीन डराइव्ड फ्रॉम दी वर्ड। तो आपको बताना है कि जो पर्सनैलिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो पर्सनैलिटी शब्द है इसे परसोना से लिया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, परसोना। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो परसोना है इसका मतलब होता है मास्क। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो पर्सनैलिटी शब्द है ये परसोना शब्द से लिया गया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो परसोना है इसका अर्थ होता है मास्क यानी मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड मेनली यूज्ड फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इज। तो आपको बताना है कि अचेतन प्रक्रियाओं यानी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। तो जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं इनको स्टडी करने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केटल्स मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज। तो आपको बताना है कि व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए केटल की विधि कौन सी थी, मतलब कि पर्सनैलिटी की स्टडी के लिए केटल ने किस मेथड का यूज किया। तो इन्होंने इसके लिए फैक्टर एनालिसिस का यूज किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फैक्टर एनालिसिस। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो केटल है इन्होंने 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर भी डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द MMPI इज यूज टू मेजर। तो आपको बताना है कि जो MMPI है इसका यूज हम किस चीज को मेजर करने के लिए करते हैं। तो जो MMPI है इसका मतलब है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है, एक पर्सनैलिटी की इन्वेंट्री है। तो इसका यूज हम पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, उसको असेस करने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मतलब कि जो MMPI है इसका इस्तेमाल पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डेवलप्स लास्ट इज। तो आपको बताना है कि पर्सनैलिटी का वह भाग जो सबसे लास्ट में विकसित होता है वो कौन सा है। तो जो सबसे लास्ट में डेवलप होता है वो है सुपर ईगो। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सुपर ईगो। इसी के साथ आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं वो किसके द्वारा डेवलप किए गए थे, किसके द्वारा दिए गए थे। और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो हैं वो किस किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का सही सीक्वेंस है। तो हमने पहले भी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में बात की है कि सबसे पहले आपकी इन्फेंसी आएगी, उसके बाद चाइल्डहुड, फिर उसके बाद एडोलसेंस और उसके बाद अडल्टहुड आएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और अडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार एक बच्चा मॉरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस दी हैं और 3 लेवल दिए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 6। मतलब कि एक बच्चा मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस से होकर जाता है, ठीक है। ये किसका कहना है, ये कोहलबर्ग का कहना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी लेवल पूछे जाएं तो जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए हैं और जब भी स्टेजेस पूछी जाएं तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपको बताना है कि क्रिएटिविटी की साइंटिफिक स्टडी की शुरुआत किसने की है। तो जो क्रिएटिविटी है सबसे पहले इसकी साइंटिफिक स्टडी गिलफोर्ड के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो आपको बताना है कि जो CAT यानी चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट है उसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो जो CAT यानी चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट है इसे लियोपोल्ड बेलेक ने डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लियोपोल्ड बेलेक। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।